एशिया कप में सुपर फोर में बांग्लादेश टीम के खिलाफ रविंद्र जडेजा को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इसलिए जगह मिली क्योंकि हार्दिक पांड्या चोटिल होने के कारण बाहर हो गए थे, लेकिन उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के भरोसे को सही साबित किया। उन्होंने 4 विकेट लेकर बांग्लादेशी टीम की कमर तोड़ दी। जडेजा ने शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मद मिथुन और मोसद्दीक हुसैन के विकेट लिए। जडेजा करीब एक साल बाद भारतीय वनडे टीम में शामिल हुए थे। इस दौरान टीम इंडिया ने विभिन्न टीमों के खिलाफ 27 वनडे मैच खेले हैं। टीम इंडिया के लिए 136 वनडे मैच खेले वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा ने इससे पहले जून 2017 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ किंगस्टन में वनडे मैच खेला था। इस मैच में उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 1 मिडन रखते हुए 27 रन दिए थे। हालांकि उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी, जबकि बल्लेबाजी करने का उन्हें मौका नहीं मिला था। एशिया कप के जरिए वनडे टीम में जडेजा की वापसी 2019 वर्ल्ड कप के लिए दावा ठोकने का अच्छा मौका है, जबकि पिछले दिनों उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले एकमात्र टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि वह इंग्लैंड में कमाल दिखाने का दम रखते हैं। इस मैच में बतौर बल्लेबाज जडेजा ने पहली पारी में 86 नाबाद और दूसरी पारी में 13 रन बनाने के अलावा पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट किए थे।